झारखंड वकपा है झारखंड की तमाम खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। मुरैना जिले के पोरसा तहसील के थाना अंतर्गत गांव में भीतर ही अवैध हथियारों का निर्माण करने वाली फैक्ट्री को आज सुबह पकड़ लिया। पोरसा थाना पुलिस को मिली सूचना के बाद गांव प्रेमपुरा में हरदेव के यहां दबिश दी गई। घर के बाहर बनी झोपड़ी में अवैध हथियारों का निर्माण हरदेव और रंजीत कर रहे थे। पुलिस ने एक टोपीदार, एक 315 बोर सहित दो राइफल, 3 कट्टे और 14 जिंदा राउंड बरामद किए हैं। अवैध हथियार निर्माण में उपयोग किए जा रहे उपकरण भी पुलिस ने बरामद किए हैं। बीते एक वर्ष से दोनों आरोपी इस कारोबार से जुड़े हुए थे। इस दौरान आधा दर्जन कट्टे क्षेत्र के लोगों को बिक्री कर दिया है। कट्टे की कीमत 5,000 रुपए निर्धारित की गई है। पुलिस द्वारा आरोपियों से पूछताछ की जा रही है कि अभी तक निर्मित किए गए हथियार किन किन को बिक्री किए हैं। दोनों आरोपियों के विरुद्ध आर्म्स अधिनियम के तहत आपराधिक मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी कार्रवाई हुई है, हथियारों का जखीरा पकड़ा है। ये कहां से पकड़ा गया? कल सूचना मिली थी प्रेमपुरा पे, जो है आरोपी अपनी मड़ैया में जो है काफ़ी समय से अवैध कट्टे का निर्माण कर रहा है और बिक्री वगैरह भी करता है। तो कल उस पर से पुलिस फोर्स ने दबिश दी थी। उस पर दो आरोपी हमने गिरफ्तार किए हैं प्रेमपुरा से, और उनसे जो है 12 बोर का एक कट्टा है, 315 बोर के कट्टा है, एक राइफल है और अधिया है और राउंड है 12 बोर के, 315 बोर के, और कट्टा बनाने का सामान वो भी जब्त किया है। उनके दोनों के विरुद्ध आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की गई है और उनसे पूछताछ की जा रही है कहां किन किन को कट्टे बेचे हैं। तो वो आगे भी जो भी है डेवलप होगा तो आगे बताया जाएगा। अपराधी कितने पकड़े? अपराधी 2 गिरफ्तार किए हैं। अभी ये नहीं आ पाया कि कहाँ सप्लाई किए हैं, वो लोग नहीं पकड़ पाए। अब अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, बना के बेचे हैं कट्टे उनसे, और उनसे पूछताछ कर रहे हैं। आज पूछताछ करके आगे जो भी स्थिति होगी।